रामेणाभिहता निशाचरचमु रामायतुस्मयी नमः रा परायणं परतरं रामत्स्यदासोष्णम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भोरा ममुर भर भर्जनम भव बीजा मर्जनम सुख समदा तर्जनम यमदूता रा घर जन्म वृंदारक वृंद ब्रिंद वंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात कुछ कहा सुनी होगी भजो रघुपति राघव राजा

रघुपतिराघव राजा सरकार की hey! बहुत धीरे से बोलते हैं आप लोग आज वे आए हैं अवतार लेकर और आज ही आप लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए वो चलाए जाना भी जानते हैं उनका आना उनका जाना उनकी इच्छा पर निर्भर है उनके ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं है काल कर्म स्वभाव गुण से अतीत परम तंत्र स्वतंत्र राम है बोलिए जरा ढंग से राघवेंद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए आज राम नवमी है तो आप लोग इसी आशा से आए होंगे कि राम तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा ठीक है लेकिन मैं पहले ही सरेंडर कर दे रहा हूं कि राम तत्व पर तो राम भी नहीं दे सकते प्रवचन और कौन देगा हाँ? राम भी नहीं दे सकते हा तो वेन्द्र ने स्तुति की भगवान की कि महाराज आपको कौन जानेगा ब्रह्मा विष्णु आदि तो जान नहीं सकते आप भी अपने आप को नहीं बता सकते क्यों क्योंकि आप अनंत हैं आपकी प्रत्येक चीज अनंत है आपके रूप अनंत नाम अनंत गुण अनंत लीला अनंत शक्तियां अनंत ब्रह्मांड अनंत एक भी वस्तु आपकी शांत नहीं है लिमिटेड नहीं है तो अगर आप अपने आप को बताने के लिए बैठेंगे तो बताते रहेंगे कभी अंत नहीं हो सकता दुपता एव ते नजू रंत मनंतयादों ने कहा फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई सब महात्मा लोग राम तत्व के विषय में बोल चुके हैं बोलेंगे देखिए आप लोगों ने शायद समुद्र देखा हो या जो भी चीज अनंत मात्रा की हो उसको अगर बताने के लिए लोग जाएं तो क्या होगा अपने अपने पैमाने के अनुसार लोग बताएंगे जैसे हमारी बुद्धि की सीमा चार फुट लंबी है वो चार फुट का पैमाना डालकर कह देंगे हे मनुष्यों, इसकी गहराई चार फुट है एक छे फुट वाला आएगा वो कहेगा वो गलत है छ फुट गहरा है देखो आजकल की जो साइंस है ये संसार कैसे बना इसके बारे में कितने वैज्ञानिकों ने बदलते हुए अरे वो गलत है ऐसा है अरे ये सही है ये सही है ही करते रहे हैं अभी तक क्योंकि उसका और छोर नहीं है अगर कोई भगवान को जान ले तो और छोर पा सकता है भगवान को पा ले राम को पा ले और जो राम को छोड़ करके खोज रहा है वो करोड़ों कल्प आगे भी खोजता रहे और अपने को वैज्ञानिक कहता रहे वो जीरो बटे सौ मिलेगा और बदलता रहेगा क्योंकि वो अपनी बुद्धि की उपज से बता रहा है और वो बुद्धि से परे है ना हम दृत गति विदुर ब्रह्मा कह रहा है कि मैं भी नहीं जानता उसको भगवान शंकर जो कहलाते हैं वो भी नहीं जानते और कौन जानेगा ना हम बिरिंचो न ना कुमार नारद शंकर जी कह रहे हैं हम भी नहीं जानते राम को ब्रह्मा भी नहीं जानते और कौन जानेगा वो बुद्धि से परे है नारद भवो बिरं सन का दी जे मुनि नायक आत्मवादी कोई नहीं जानता जग पे खन सब देखन हारे विधि हरी शंभु नचावन हारे ते उन जान ही मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा तो पर कृपालु <laughs> इनकी तो कहीं गिनती ही नहीं है वो बड़े बड़े महापुरुषों के आगे ये क्या बताएंगे राम कौन है लेकिन अपनी बुद्धि और अपनी बाणी को शुद्ध करने के लिए सबने बताया है हम भी बताएंगे लेकिन हम जूठन बताएंगे महापुरुषों के बताए हुओं को बताएंगे यानी हम नई बात नहीं बताएंगे अपने बुद्धि की उपज की जिन लोगों ने देखा है समझा है पाया है उनके द्वारा बताऊंगा तो राम के विषय में सबसे आदि महापुरुष बताने वाले बाल्मीक हुए हैं इन्हें से पूछा जाए हा राम कौन है वे? वाल्मीकि ने कहा अरे भाई हम तो इसी संसार के हैं। पहले बड़े खतरनाक थे हम वेदों से पूछो अनाध्यन शाश्वत वाणी राम की है राम ने अपने बारे में क्या बताया है उनसे पूछो वैसे हमारे यहाँ तीन प्रस्थान होते हैं श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान न्याय प्रस्थान अर्थात वेदों के द्वारा इन नंबर एक वो दिव्य वाणी है सनातन वाणी है एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए किसी ने लिखा नहीं वेद को भगवान ने भी नहीं लिखा लेकिन राम की वाणी श्री कृष्ण की वाणी कहलाती है क्यों इसलिए कि उनके श्वास से सृष्टि के आदि में प्रकट हुआ है वेद उनके मुख से श्वास से ये वेद प्रकट हुआ है तो जिसके मुख से प्रकट हुआ है उसी की बाणी बोल दो लेकिन ये वेद ऐसे ही सृष्टि के पहले भी थे ये सृष्टि अनादि है जैसे आज है ऐसे ही हमेशा थी फिर प्रलय हुआ फिर सृष्टि हुई फिर प्रलय हुआ तो जैसे पहले सृष्टि थी और प्रलय हो गया था वैसे ही फिर हो जाती है नई चीज नहीं होती सूर्या चंद्र मसौधाता यथा पूर्व म कल दिवंच पृथ्वी चातरिक्ष मथो स्व वेद कह रहा है महतो भूतस्य भूत दो यजुर्दे दो जब भगवान को सृष्टि करने की इच्छा होती है तो भगवान अपनी शक्तियों से कहते हैं जैसे संसार पहले था वैसे ही प्रकट कर दो बनाओ नहीं प्रकट कर दो जैसे आप लोगों ने टेस्ट मैच देखा हो क्रिकेट का पांच दिन का होता है तो एक दिन का खेल हो गया जिसने जितने रन बनाए जो आउट हो चुका है इसी स्थिति में कल दस बजे सब खड़े हो जाओ और आगे खेल होगा ऐसे ही सृष्टि के प्रलय के समय जो जहां था जिसका जो दर्जा था जो देवता था जो मनुष्य था जो पशु पक्षी था वैसे के वैसा बना दो शक्तियों ने कहा ठीक है हम हाँ, बना देते दे। भगवान को कुछ बनाना नहीं पड़ा प्रकट भी करने में कोई परिश्रम नहीं बस सोचा और सब शक्तियां आ गईं महाराज क्या आज्ञा है संसार जैसे पहले था वैसे ही बोले नहीं मन से सोचा और सब शक्तियां सर्वज्ञ है वो समझ गई और अपना अपना काम शुरू कर दिया और सृष्टि हो गई तो उसी समय वेद प्रकट हुए इसलिए वेद को भगवान के मुख से प्रकट होने के कारण पौरुषेय कहते हैं लेकिन वो पौरुषेय है नहीं वो अपौरुषेय है सनातन है और वाणी को भगवान के सिवा कोई नहीं समझता ब्रह्मा को जब वेद भगवान ने प्रकट करके दिया उसने पढ़ा नहीं समझ सका ब्रह्मा जिसने नथिंग से संसार प्रकट किया है तो तेने ब्रह्म हृदा या आदि कब भगवान उसके हृदय में आए और उसकी बुद्धि में बैठे और अपनी बुद्धि दी तब ब्रह्मा ने वेद का अर्थ समझा वो प्रमाण है असली तो वेद क्या कहता है राम के लिए वंदे राम सच्चिदानंदमतापनीपनिषत्च आठ नन्ते योगिनोन्नते चिदात्मन चिदात्मनि राम पदे पदेना सौ पर्रह्मीये राम पनीयोपनिषद छा को रामो विग्रह राम रामतापनी उपनिषद एक दो परमात्मा सि राम तुम परमात्मा हो नारायण हो ब्रह्म हो फिर उसके बाद पुराण बने तो वेद व्यास ने भी कह दिया यो साव स पर ब्रह्म संगीत तस्या जानकी देवी साक्षात सा चिन्मयी मता पद्म पुराण छब्बीस तिरसठ राम एव पर ब्रह्म राम एव परम तपस्कंद पुराण ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि राम ब्रह्म थे ब्रह्म ब्रह्म क्या होता है ब्रह्म को समझिए बृहति बृंगयत इति तत्परम रहस्याम ना ब्राह्मण वेद उसी ने अर्थ कर दिया कि जो सबसे बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे उसको ब्रह्म कहते हैं सांडिल्य पुराण में भी सांडिल्य उपनिषद में भी तीसरे अध्याय का दूसरा मंत्र बृहति बृंगयति तस्मात पर ब्रह्म जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे बृहत्वाद्रंघनत्वाद तद ब्रह्म जब विष्णु पुराण एक बारह सत्तावन जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे वो तो ब्रह्म है बड़ा हो कितना बड़ा हो अरे एक, एक इंच की कोई चीज रखो और उसके आगे दो इंच की रख दो तो वो कहलाती है बड़ी और ये छोटी तो ये बड़ी ये भी बड़ी है ये भी ब्रह्म है अरे क्या होता है बड़ा माने तो बेदन को उत्तर दिया मैं बताऊं सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कैत दो एक आ, जो अनंत मात्रा का हो ओ बड़ा मैंने कहा था ना भगवान की कोई चीज शांत नहीं है लिमिटेड नहीं है अब अनंत से तो बड़ा कुछ होता नहीं गिरिर्मान गिरे अबिर महान अब नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म संसार में लोग कहते हैं ये पहाड़ बड़ा भारी है हिमालय लेकिन इससे कितना बड़ा है समुद्र और समुद्र से कितना बड़ा है आकाश हाँ, लेकिन अनंत कोट आकाश से भी बड़ा है वो ब्रह्म कितना बड़ा है अरे जिससे बड़ा कुछ ना हो बात यो समझ लो ऐसा ब्रह्म होता है हमारे व्यास वगैरह भी कहते हैं स्वयं तो न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा हुआ बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं है जब बराबर है नहीं है तीन दो इक्कीस भागवत अरे वेद कहता है स्वयं तो साम्यतिशयत्री भागवत तो अनुवाद है इसके पहले वेद ने कहा है श्वेताशुतरोपनिषद छे आठ न तत्समचाभ्यधिक दृश्यते है मनुष्य नौ बराबर कोई है न उससे अधिक कोई है फिर भागवत कहती है निरस्त साधिका राधसा दो चार चौदाह गीता भी कहती है नभ्य अधिका कुतोन्य हे श्री कृष्ण न तुम्हारे कोई बराबर है और बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं तो समझे बड़ा माने क्या होता है अनंत बात ओ बड़ा करे आप कहते हैं हा इसके लिए भी वेद कहता है परास्त शक्ति विविध भी वश्रूते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया च भगवान की अनंत शक्तियां हैं शंकराचार्य से पूछा एक शिष्य मुह लगा था कि आप कहते हैं ब्रह्म में शक्ति नहीं है और ये वेद तो कह रहा है कि स्वाभाविकी शक्तियां हैं ये शब्द है वेद में शक्ति विविध अनंत शक्तियां हैं स्वाभाविकी वो बुलाई नहीं जाती कहीं जैसे आग में एक शक्ति है क्या जलाने की ये बाहर से नहीं लाई जाती आग में है नेचुरल नेचुरल उसको स्वाभाविकी कहते हैं प्रकाश करने की शक्ति ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं स्वाभाविक तो शंकराचार्य ने कहा स्वाभाविक माने काल्पनिक काल्पनिक बोला स्वाभाविक का अर्थ काल्पनिक कहीं किसी कोष में लिखा है अरे काल्पनिक माने मन की कल्पना अस्वाभाविक माने जो सदा रहे तो वो जो अनंत शक्तियां हैं वो बड़ा करती हैं दूसरे को वरना वो बड़े नहीं जाता भगवान हम लोग कभी बड़े ना होते जिसको महापुरुष महात्मा संत आदि कहते हैं ये बड़े हो गए ना, भगवान की शक्तियों से युक्त हो गए तो फिर कोई ना होता हर्वज्ञ हाँ। सर्वविद्य ज्ञान मयन तपा, वो सर्वज्ञ भी है भगवान हाँ मुंडकोपनिषद एक, एक नौ नायम आत्मा प्रबचने नमे बहुना ना प्रवचने न लभ्यो न मे दया न बहु न जमे नए वैश वृणुते ते न लस् आत्मा वृणुते तनुग्व ताम कठोपनिषत् एक दो तेईस और ये मुंडको परिषद में भी ये मंत्र है तीन दो तीन अर्थात वो भगवान और हम सब जीव मायाधीन लेकिन वो जिस पर कृपा कर देता है उसको अपना ज्ञान अपना दर्शन अपना सब कुछ दे देता है वेद कह रहा है तो वो बड़ा करता है ये ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ अरे ब्रह्म तत्व क्या है चीज क्या है ये बताओ ये तो काम बताया आपने ब्रह्म ये भी वेद से चलो पूछें ब्रह्म क्या चीज है भाई तो ब्रह्म ने कहा वेद ने कहा आनंदम अक्षरम साक्षात जाबार्य दर्शनो पिशत चार बासठ ब्रह्म का दूसरा नाम है आनंद 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 क्या होता है ये बताया नहीं जा सकता है बताया नहीं जा सकता हाँ समझाया जा सकता है क्या मतलब हाँ, मतलब ये कि जिस चीज को अनंत कोट ब्रह्मांड के वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक सब चाहते हैं उसका नाम है आनंद बाल्मीक ने एक वाक्य कहा है बड़ा विलक्षण विचित्र लोके नहीं ही सबिद्य जो न राम मनोव्रत अनंत कोट ब्रह्मांड में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो हमारे राम का भक्त न हो लोगों ने कहा क्या वाल्मीकि का कुछ गड़बड़ था क्या अरे हमारे पड़ोस में ही सैकड़ों है राम को गाली देते और राम के जमाने में ही एक नास्तिक था अयोध्या में धोबी उसने अपनी बीबी को डांटा जब तो एग्जाम्पल दिया मैं राम नहीं हूं क्यों उनकी श्रीमती लंका में रावण के पास रही और उन्होंने फिर अपने हर रख दिया मैं निकाल दूंगा तुझको हमेशा के लिए देखो ये राम के ऊपर हमला कर रहा है आप कहते हैं कि कोई चींटी भी नहीं है जो हमारे राम की भक्त ना हो तो आप देखिए ये बाल्मी कितना सही कह रहे हैं कि सब आनंद चाहते हैं हा नास्तिक क्या चाहता है ये राम को गाली क्यों देता है उसको आनंद मिलता है राक्षस लोग भगवान के खिलाफ रहे क्यों खिलाफत करते हैं आनंद मिलता है हैरी मिलता है तुच्छ तो आनंद है लेकिन आनंद है लेकिन वो तृप्त नहीं हुए आनंद चाहिए वो 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 कोई क्या है वो <laughs> उसको हम बता नहीं सकते अनिर्वचनीय है आनंद क्योंकि भगवान भी अनिर्वचनीय है राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर बुद्धि से परे है भगवान और भगवान का ही दूसरा नाम है आनंद तो फिर आनंद को कैसे कोई जबान से बता देगा और कोई समझ लेगा अरे आनंद की तो छोड़िए आप लोग रसगुल्ला खाते हैं रोज हाँ बताइए कैसा होता है ए, कैसा होता है <laughs> मीठा होता है नी नी और बोलने से तो हमारी समझ में नहीं आया आपने चीनी खाया है नहीं गुड़ खाया है नहीं अरे कोई मीठी चीज खाई है नहीं जी मैं नीम का कीड़ा हूं अब समझाइए आप कैसा होता है रसगुल्ला फिर खाने पर मालूम पड़ेगा आपको कैसा होता है खाने पर अनुभव से तो जब आप रसगुल्ला को नहीं समझा सकते तो ब्रह्मानंद आदि की बात कौन करे क्या समझाएगा कोई आनंद कैसा होता है लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हम आनंद चाहते हैं काम उल्टा हो सीधा हो हम सोते हैं क्यों आनंद के लिए अच्छा तो सोते रहो अरे नहीं फिर जागते हैं। क्यों आनंद के लिए और रोते भी हैं कभी कभी हाँ क्यों आनंद के लिए और हंसते भी हैं हाँ आनंद के लिए ये तमाम उल्टी सीधी दोनों क्रियाएं करते हैं हम लोग लेकिन दोनों में आनंद के लिए एक एम एक उद्देश्य वेद तो कहता है आनंदम अक्षर साक्षात जाबाली बाली दर्शनोपनिषद चार बासठ आनंदो ब्रह्मे ति बेजाना तत्तरी उपनिषद तीन आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन तैत्तरी उपनिषद दो चार दो नौ और ये मंत्र ब्रह्मोपनिषद ने भी है ये मंत्र ने भी है दो एक और ये मंत्र शरभो ने भी है सत्रह आनंद ही ब्रह्म है रसो भाई साहब वो रस है आनंद है उसमें रस है नहीं वही रस है उसके अंदर बाहर वो सब जैसे आप लोग दिवाली पर मिठाई देखते हैं चीनी की मिठाई केवल चीनी वो चीनी का घोड़ा चीनी के हाथी चीनी का साहब बना देते हैं बच्चे कहते हैं हम साहब लेंगे हम हाथी लेंगे हम घोड़ा लेंगे चाहे जो खाओ सब चीनी है ऐसे ही वो ब्रह्म कितने ही नाम धर दो कितने रूप बना दो वो आनंद है अभी हम आपको बताते हैं उसके हाथ भी आनंद है पैर भी आनंद है पेट भी आनंद है आख कान मुख सब आनंद है ये आनंद का बना है अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है और कुछ है ही नहीं हम लोगों के अंदर दिव्य वस्तु है भगवान का अंश और ऊपर से ये हमारा शरीर है नश्वर माया का भगवान का ऐसा नहीं है देह दे नहीं वो विद्यते ते वहां ये देह देही का भेद ही नहीं है आनंद का ही शरीर है और स्वयं आनंद है तस्माए तस्मया तर आत्मा आनंदमय दो पांच को हेवान्यात कप्राण्यात प्राणिया आकाश आनंदो न दो सात रुखी भवती कठ रुद्रोपनिषत् मंत्र सैश रसा रसतम परमा छांदोग्योपनिषद एक एक तीन ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं तिज्ञ पिपच्य धीरा आनंद रूप अमृतम जद विभाति दो दो सात मुंडकोपनिषद विज्ञान आनंदम ब्रह्म तीन नौ अट्ठाइस मुंडकोपनिषद और ये ब्रह्मोपनिषद महोपनिषद में भी ये मंत्र है दो नौ अर्थात वो आनंद है वेदांत में भी आनंदमयोभ्यासा एक, एक तेरा संगीता में भी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह पाँच एक आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह गोविंदमादिपुरुषम भजामि पांच बत्तीस ब्रह्म संहिता सच्चिदानंद विग्रह गोपाल तापनी उपनिषद ये सब तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान बोलो चाहे राम चाहे श्याम चाहे आनंद तो सब आनंद चाहते हैं न आ, भागवत जी कहती है आनंद मात्र मा विकल्प बर्चा तीन नौ तीन आनंद मूर्ति मजहा ने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया आनंद का आलिंगन किया आनंद की वो मूर्ति है जैसे मैंने बताया ना चीनी की मूर्ति बना देते हैं लोग ऐसे आनंद की मूर्ति बन गई है रामकृष्ण की दस अड़तालीस सात विभागवत कह रही केवला अनुभवानंद स्वरूप सर्व बुद्धि वसुदेव ने कहा श्री कृष्ण के लिए केवला दस तीन तेरह केवला अनुभवानंद स्वरूप परमेश्वर सात तेईस भागवत ये प्रहलाद ने कहा था भगवान के लिए सत्य ज्ञानानंद नंद का रस मूर्त अस्पृष्ट भूरि महात्म्या भागवत दस तेरा भागवत कहती है बार बार आत्मान आनंदम परमात्मनम् भगवान ने कहा स्वयं ग्यारह छब्बीस एक। एकस्तमात्मा ब्रह्मा ने कहा अजस्त्र सुखा आनंद आप आनंद रूप है बस और कुछ नहीं है सब वेद से लेकर सब ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान का एक नाम है आनंद और हम उसको चाहते हैं क्योंकि क्योंकि वो हमारा अंश ही है हम उसके अंश हैं तो आनंद का अंश क्या होगा आनंद इसलिए हम बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल आनंद चाहते हैं इसलिए ब्रह्म तत्व क्या है आनंद लोग तो कहते हैं सच्चिदानंद ये सत और चित्त आनंद के विशेषण है यानी सत आनंद चित आनंद सत माने सनातन नित्य संसार में हमको आनंद मिलता है ना वो अनित्य है थोड़ी देर में खत्म रसगुल्ला खाया हाँ पहला रसगुल्ला बड़ा आनंद आया दूसरा उससे कम तीसरा और कम चौथा खत्म और फिर पांच छह घंटे बाद फिर रसगुल्ला भूल गया अरे एक बार डट के खा लो उसके बाद फिर ध्यान कर लो छुट्टी न खत्म हो जाता है उसी माँ को उसी बाप को उसी बीबी को उसी बेटा बेटी को दिन रात चिपटाते जा रहे हैं और घृणा भी होती जा रही है फिर उसी वस्तु के बार बार सेवन पर भी वो सुख नश्वर है समाप्त हो जाता है एक बार देखा बहु आई है नई लोग देखने आ रहे हैं भेंट दे रहे हैं उसके देखने का दोबारा वो बीमार है दवा ला दो कोई भाई पड़ोसी टाइम नहीं है अरे अपनी बीबी को सब लोग जानते हो अनुभव कर लो जब शुरू शुरू में उसको देखा था दूसरे के मकान की खिड़की पर अप्सरा लग रही थी ये हमको मिल जाती है अगर मिल गई ब्याह हो गया घर आ गई दस दिन बाद जब उसने अपना विराट रूप दिखाया सब तो खत्म मैं तो मर गया ऐसी बीबी मिली भगवान का आनंद नित्य है इसलिए सत्य कहा गया और चित माने भगवान का आनंद चेतन है ध्यान दो चेतन माने क्या चेतन माने जैसे आत्मा है हमारे अंदर हाँ तो हम देखो हाथ पैर आंख कान नाक मुंह सब काम कर रहे आत्मा निकल गई यानी मर गया अब सब बेकार है तो आनंद संसार का तो जड़ है और वो आनंद चेतन है संसार के आनंद को हम दूसरे को नहीं दे सकते रसगुल्ला खा रहे आ, हम बिना खाए हमको दे दो इसका आनंद अरे नहीं ये जड़ है इसका सुख बिना तुम्हारे खाए नहीं मिलेगा और भगवान का आनंद चेतन है वो जिसको चाहे देते रहते हैं जो शरणागत होता है और है वो केवल आनंद बस और रस है और रस भी दो प्रकार का है स्वयं रस है और दूसरे को भी रस देता है रसियत इतिरसा और रसायत इतिरसा उसके पास अनंत शक्तियां हैं है, है ना हाँ। तो वो एक शक्ति का नाम है स्वरूप शक्ति अच्छा वो क्या करती है वो जब चाहे इनको निराकार निर्गुण निर्विशेष बना दे और जब चाहे सगुण साकार सविशेष बना दे ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चै मूर्तन चृहदारण्य को उपनिषद दो तीन एक शंकराचार्य ने भी मान लिया मूर्तन मूर्तम द्वे व्रह्मणों रूपे ध्रह्म अवगम्य तेनात सर्वोपाधि विवर्जितम अर्थात वो निर्गुण भी है सगुण भी है त्रिपाद विभूषि नारायणोपनिषद का पहला मंत्र है सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म ब्रह्म जो है वो दो विरोधी धर्म है उसमें जगत गुरु शंकराचार्य ने द्वादशाह उभय विधो बादरायणत इस मंत्र सूत्र का भाष्य जब करने लगे तो उन्होंने लिखा स यदा सशरीरताम संकल्पयति सी भवती यदावशरीरता तदा तवरीर सत्य संकल्प संकल्प वैचित्र्या भगवान सत्य संकल्प है क्या हाँ जो सोचा वो हो गया तो जब सोचता है मैं साकार बन जाऊं तो राम कृष्ण वगैरह बन जाता है जब सोचता है मैं निराकार बनकर सबके अंदर रहूं तो निराकार हो जाता है जब जैसा सोचता है सोचता है बस करता होता कुछ नहीं सोचता है उसको सत्य संकल्प कहते हैं ऐसा आत्मा पातपात्मा बिजरू विमृतुरशोको बिजत्सो पिपाशा सत्य काम सत्य संकल्प ये आठ गुण है भगवान में छानदोग्योपनिषद आठ एक पाँच छानद्योपनिषद आठ सात एक छानदोग्योपनिषद आठ सात तीन ये तीन जगह ये मंत्र है ये भगवान के आठ गुण बताए हैं और एक ही मंत्र में निर्गुण सगुण दोनों रूप बताया भगवान का अपहत पापमा बिजरो को बिजघत सो पिपा सा ये तो निर्गुण रूप बता दिया और सत्य काम सत्य संकल्प ये सगुण बता दिया एक ही मंत्र में <laughs> क्या वेद है <laughs> और वो ब्रह्म कैसा है जी हो सगुण साकार भगवान निराकार भगवान की प्रतिष्ठा है हा यदा पश्चा पश्चते रुक्म बर्णम करतार मीसम पुरुषम ब्रह्म योनिम ये ब्रह्म जो है उसकी योनि है श्री कृष्ण राम तीन एक तीन मुंडकोपनिषद गीता में भी कहा ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा है अमृत्या चौदह सत्ताईस और वो कैसा है ब्रह्म उस ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं भगंती य तत्व विदस्त यज्ञान अद्वयम ब्रह्मेदि परमात्मेदि दि भगवान शब्द ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन अभी दो बताया था अब तीन बता रहे हैं लेकिन ये दो एक से ही है, है वास्तव में दो ही ब्रह्म जो निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है जिसको ज्ञानी लोग जिसकी उपासना करते हैं उसमें सबसे कम शक्ति प्रकट होती है अपनी सत्ता की रक्षा के लिए और अपने सच्चिदानंदत्व के लिए बस दो शक्ति प्रकट होती है और कोई शक्ति नहीं अरे आप लोगों ने गेहूँ चना मटर देखा होगा हाँ जब बोरे में बंद रहती है तो उसको आप आ, कहें कि ये तो पेड़ बने ही नहीं साल भर से हाँ नहीं बना अब उसको खेत में डाला मिट्टी मिली खाद मिली पानी मिला सनलाइट मिली हवा मिली हाँ पेड़ बन गया उसमें शक्तियां हैं लेकिन प्रकट नहीं होती ऐसे ही ब्रह्म है वो तो हमारे काम करने इसीलिए उसके लिए भगवान ने गीता में कहा है क्लेशो सर तेम अभ्यक्ता शक्त चेतसाम अभ्यक्ता ही गतिर दुखम देहबदीर वाप्य अर्जुन देहधारियों के लिए निराकार ब्रह्म की उपासना बड़ी कठिन है कलयुग में क्या करेंगे लोग अब आजकल तो सन्यासियों के ढेर है हजारों लाखों हम में ऐसे बोलते हैं। <laughs> तो अब आप इस तो समझ गए कि ब्रह्म के स्वरूप में कितनी बातें हैं जिसको ब्रह्म कहते हैं नहीं अभी और समझाइए और समझ लो वो ब्रह्म आदि कारण है आदि मैंने प्रारंभ प्रारंभ मैंने जो सदा से है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद कारन राम कृष्ण सात कारणों के कारण है जैसे पृथ्वी जल से पैदा हुई जल तेज से पैदा हुआ तेज वायु से पैदा हुआ वायु आकाश से पैदा हुआ आकाश अहंकार से पैदा हुआ अहंकार महान से पैदा हुआ महान प्रकृति से पैदा हुआ प्रकृति भगवान से पैदा हुई भगवान हा वो किसी से पैदा नहीं हुआ वो सनातन है हमे वा वृ नान्य सदस्य परम पश्चात हम यदे तथा यो वशिषे में हम दो नौ बत्तीस भगवान पहले थे ये जो दिख रहा है ये भी भगवान है और जो बाद में प्रलय के बाद बचेगा वो भी भगवान है तो वो अनादि है आदि है दोनों है अनादिर आदिर वो कैसे आपको बताए भागवत में भंडार भरा है न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम ना पिचापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो जो जगत चजा। दस नौ तेरा जिसका भीतर न हो और जिसका बाहर हाँ, न हो न चांतर न बहिर्जस्य हा ऐसी चीज कौन होगी भाई जिसका भीतर न हो और जिसका बाहर न हो और जिसका बाहर हो और जिसका भीतर हो दो विरोधी बात हा ये सृष्टि जो है इसके बाहर है भगवान सृष्टि होती है प्रलय हो जाता है फिर होती है फिर प्रलय और भगवान तो सदा रहता है और सृष्टि के अंदर भी भगवान है जब सृष्टि होती है तो तत्सृष्टमा तद प्रदिशत ये घुस जाता है इसमें जड़ में भी घुस जाता है ये और चेतन में भी सर्वव्यापको देव सर्वभूते सुगूढ़ सर्वव्यापी ग्यारह श्वेता तो भगवान ही है सदा है वो और सर्वत्र है वो और सृष्टि के समय भी है और सृष्टि से बाहर भी है वो आदि भी है सृष्टि के और अंत भी है वो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो ए, अकेला वही बचेगा जो वशिष्ठ सोच में हम जो बचेगा वो केवल मैं हूं अकेले रहूंगा अच्छा रहो कब तक रहोगे हाँ हाँ हम हाँ, अकेले रह लेंगे नई बरे में दस दे का की नरमते बहुत जुग बीत गए तो एक दिन सोचा अरे मैं अकेला हूं आ, आ, मन भी आ गया पहले मन नहीं था तो आराम से लेटे थे और मन आ गया मन आया तो मन ने सोचा अरे अकेले क्यों हो भाई अच्छा तो फिर ये जो हमारे अंदर है अनंत जीव इनको बाहर निकालो जाया कुछ खटपट हो <laughs> एक शराबी ने एक मौलवी से पूछा कि क्यों जी ये बताओ कि बहिष्ट में क्या होता है और नरक में क्या होता है तो उनने कहा कि वो बहिष्ट में तो थोड़े से मौलवी लोग नमाज पढ़ते रहते हैं और नरक में दो जख कहते हैं उसको ये लोग उसमें तो बड़ी भीड़ होती है तो कहा यार वहाँ क्या मन लगेगा जहाँ थोड़े से मौलवी नमाज पढ़ते हैं वहा अच्छा रहेगा जहां बड़ी भीड़ होगी कोई पिटाई हो रही है किसी की कुछ हो रहा है आ, उसको चार जूते पड़े हमको दो ही पड़े ऐसा हाल है तो वो वह ब्रह्म का एक रूप जिसमें कम शक्तियां प्रकट हों सबसे कम और एक परमात्मा होता है वो सगुण साकार होता है उसका नाम भी है रूप भी है गुण भी है लीला नहीं है वो भी हमारे काम का नहीं और एक होता है भगवान ये राम कृष्ण है इनका नाम है रूप है गुण है लीला है धाम है संत है सब कुछ है परिकर है सब है तो इनमें हमारा मन जल्दी लग जाता है ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं अद्वय ज्ञान तत्व कहते हैं इनको और भगवान के धाम भी होते हैं ध्यान दो हम लोग ये समझते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापक है और सबके हृदय में है नहीं नहीं उनका अपना धाम भी होता है चगुण साकार धाम गोलोक साकेत लोक अनेक नाम वेद कहता है कोई सुनी ओ, उड़ी पड़ी खबर नहीं न तूर्जो भाति न चंद्र तारकम ने विद्युतो भात कूतमे भात मनुभात सर्व तस्व भाषा विभाति शेताश छे चौदह वहाँ ये सूर्य ये चंद्रमा ये यहाँ के पंच महाभूत के सामान नहीं होते श्री कृष्ण ही सूर्य बनते हैं श्री कृष्ण ही चंद्रमा बनते हैं श्री कृष्ण ही पृथ्वी बनते हैं वहाँ की पृथ्वी का एक कण देख लो तो वही आनंद मिलेगा जो राम कृष्ण के दर्शन में मिलता है वहाँ की हवा वही बनते हैं ये मंत्र मुंडकोपनिषद ने भी है दो दो दस ते ब्रह्म लोके सुपरा काले मुंडकोपनिषद तीन दो छिव्य ब्रह्मपुर हे न्यात्मा प्रतिष्ठिता मुंडकोपनिषद दो, दो सात अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठत के नोपनिषद चार नौ अस्म लोकादुत्मु स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति आयतरे उपनिषद तीन एक चार ये मंत्र आत्मबोधोपनिषद भी है एक साथ सदा पश्यंत सूर्य या परमं परम पदम सुबालोपनिषद छे सात एगो लोक वर्णन ये मंत्र नृसिंहतापनीोपनिषद ने भी है आठ तीन ये मंत्र गोपाल तापनीोपनिषद ने भी है सत्ताईस ये मंत्र स्कंदोपनिषद भी है चौदह ये मंत्र त्रिपुरा तापनी उपनिषद ने भी, भी है चार एक ये मंत्र में भी है चार तीस सदा पश्यंत सूर ए भगवान का धाम सदा के लिए मिल जाता है वहां से कोई लौट के नहीं आता जिसे गीता कहती है यद नानुवर्तन्ते तद धाम परम अर्जुन जहां जाकर नहीं लौटना पड़ता वो मेरा धाम है न त भाषयते सूर्यो न शको न पावक पंद्रह छे गीता पुरुषा सर्वे वैकुंठमूर्त तीन पंद्रह चौदह भागवत यत्र माया हरे नया किमु्रता सुरा, सुरासुराजुता दो नौ दस भागवत न रजस्तमश्च भागवत दो सत्ताईस दो यद्राजमा स्वरुच्व सर्वतः चार बारह छत्तीस भागवत ये तमाम शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान का धाम भी होता है अपना आ, और भगवान का सबसे बड़ा गुण वो भी तो बता दे आ, सबसे बड़ा गुण भगवान का है अपने भक्त के अनुचर के समान हो जाना दास बन जाना नेरोप्य चमनम शान्तम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूज्येत त्यां गृरेण वि 11 14 16 मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं उनकी चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए हम भक्त पराधीनो हत्त्व तंत्र द्विज दुर्वासा मैं अपने भक्तों के आधीन हूं लोग हमको कहते हैं स्वतंत्र है ब्रह्म हा नौ चार तिरसठ ये भक्त बात्सल्य भगवान का बहुत बड़ा गुण है और इससे बड़ा एक गुण बताओ विस्मापनम स्वस्थ चौभगर धे अपने रूप को देख करके मैं इतना सुंदर हूं अगर मैं राधा बन जाता और इस स्वरूप का अनुभव करता तो क्या बात है अपने ऊपर मोहित होना रूप देखी अपना और कृष्ण और हो चमत्कार आस्वादित उठे मने काम अपना अपने चाहे कोरिते आलिंगन छोटे से श्री कृष्ण नंद के आंगन में घुटने के बल चल रहे थे रत्नास्थले जानु कुमार घुटने के बल संक्रांत मतमीय मुखार बिंदम ओ स्फटिक मणियों में अपना प्रतिबिंब देखा हा ये तो बड़ा सुंदर है आदा तुकाम उसको पकड़ना के लिए प्रयत्न किया अब परछाई कोई पकड़ने में आती है बुद्धू को भे सरभ भगवान है नहीं पकड़ पाए दो तीन चार बार कोशिश किया तो माँ को देख कर रोने लगे हम तो ये लेंगे मां ने कहा यह अभी नहीं मिलेगा एक परसों मिलेगा क्या करे मां बिचारी ऐसे बुद्धू को कौन समझावे हाँ अपने ही तो स्वजन मोहन तो है स्वमन मोहन भी है दे विचित्र बात इसके अलावा अनंत गुण है यो वा अनंत गुण ननन्ता न सत्व महामूर्ख है जो भगवान के गुणों को गिनना चाहे ग्यारह चार दो मैंने प्रारंभ में ही आप लोगों को बताया था उसके अनंत गुण हैं। तो ऐसा कोई एक ब्रह्म है जो आनंद ही आनंद है उसके पास और कुछ है ही नहीं है और सब लेकिन उससे अलग है और उसी में है देखो जब महाप्रलय होता है तो ये जड़ वस्तु संसार और चेतन हम लोग शायद भगवान में घुस जाते हैं अब भगवान क्या बोलेंगे हमारे अंदर कुछ नहीं है हम लोग तो हैं हैं लेकिन भगवान से उनका कोई संबंध नहीं है यानी भगवान का अनुभव नहीं कर रहे हैं जैसे चीनी का पहाड़ हो और एक चीटी मुंह में नमक का एक टुकड़ा रख ले और चीनी के पहाड़ पर घूम आवे और कहे अरे राम राम राम, राम जाया सारा पहाड़ नमक ही नमक का है लोग कहते हैं चीनी का पहाड़ है अरे तो तेरे मुंह में तो वो नमक है इसलिए तुझको नहीं मालूम पड़ा ऐसे ही सब जीव पेंडिंग में रहते हैं वहाँ प्रकृति भी पेंडिंग में रहती है वर्क नहीं करती जब भगवान सो के उठते हैं और दया शक्ति आती है महाराज सबको बाहर निकालो और ये आपकी भक्ति करके आपके लोक में आ जाए अच्छा भाई निकालो जैसे ब्रह्म में सब शक्तियां होती हैं प्रकट नहीं होती जैसे मैंने बताया बोरे में गेहूं बंद है और पेड़ नहीं बनता ऐसे ही हम सब भगवान के अंदर हैं लेकिन भगवान से बाहर हैं भगवान का अनुभव नहीं होगा इस प्रकार ब्रह्म का ये स्वरूप भगवान राम का है और हमारा कैसा स्वरूप है कल बताएंगे बोलिए राजा रामचंद्र की